नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में मैं आपको ई रिक्शा एक है जो डेट पड़ गई है, चल नहीं रही है, लाइन वो सब आ रहा है लेकिन गाड़ी नहीं चल रही है, क्या प्रॉब्लम है मैं इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हमारे सामने एक ई रिक्शा आई हुई है, इसका ई रिक्शा में प्रॉब्लम क्या है। देखिए चाबी ऑन मैंने किया, आप देख रहे हैं चाबी ऑन हो गया लेकिन एक्सीलेटर जो है बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। देखिए चक्का नहीं घूम रहा है, तो मैं बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए एक मल्टीमीटर की आपको जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आप चेक करिए कि आपका एक्सीलेटर सही है या खराब हो चुका है, तो आपको मल्टीमीटर से ही चेक करना पड़ेगा। वहाँ आपको 200 पे डाल देना है, पहले आपको एक्सीलेटर को चेक करना है। देखिए ये एक्सीलेटर का वायर है, यहाँ देख रहे हैं ये दो तार है। पहले आप एक्सीलेटर को चेक कर लें कि आपका एक्सीलेटर बिल्कुल सही है या खराब है। कभी ऐसा होता है कि एक्सीलेटर खराब होने पर होता है। यहाँ देखिए माइनस का मल्टीमीटर का तार, इसके माइनस में आपको लगाना है, ये प्लस का इसे रेड में डालना है। आप मीटर में देखिए, मीटर में वोल्ट शो कर रहा होगा 4.3, ये बिल्कुल सही है। अब इसको आप जो है प्लस वाले को फिर आप ग्रीन में मारिए। देखिए ग्रीन में लगा दिया, यहाँ देखिए वोल्टेज क्या शो कर रहा है। अब इसका आप एक्सीलेटर लेके देखिए, जैसे देखिए मैं एक्सीलेटर ले रहा हूँ, देखिए वोल्टेज जा रहा है, जैसे मैं एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे वोल्टेज डाउन हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका एक्सीलेटर भी बिल्कुल सही है, तो प्रॉब्लम कहाँ है चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको ये बॉक्स खोलना होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये डीसी वोल्ट पर है, आप 200 पे रखिए इसको। आपको इसको चेक करना होगा कि पहले स्विच से लाइन आ रहा है या नहीं, ये देखना होगा। तो मैं देखता हूँ स्विच चाबी ऑन करने के बाद इसमें 48 वोल्ट का करंट आना चाहिए। यहाँ देखिए थोड़ा सा कटा हुआ है, मैं यहीं चेक कर लेता हूँ। खोलने को जो होते हैं ये माइनस वाले को, आपको माइनस में कहीं भी डाल देना है। यहाँ देखिए माइनस से डीसी का है, देखिए देखिए मैंने माइनस में डाल दिया है, ये प्लस वाले को। ये देखिए ये स्विच के से जो आती है इग्निशन चाबी ऑन करने के बाद, इसमें 48 वोल्ट आना चाहिए। क्योंकि देखिए टेप मारा हुआ, यहाँ कटिंग है, मैं कटिंग में चेक करके देख लेता हूँ। अब मीटर पे ध्यान दें, यहाँ देखिए अब देख रहे हैं 53 वोल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब है कि स्विच ऑन करने के बाद भी ये कंट्रोलर में 48 वोल्ट सप्लाई हो रहा है। अब फिर मैं यहाँ के ये एक्सीलेटर का कोड है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस एक्सीलेटर में भी मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ वोल्टेज सही आ रहा है कि। यहाँ देखिए आप यहाँ देखिए, अब देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ देखिए मल्टीमीटर में वोल्ट दिख रहा है। अब मैं आपको ये जो है ये स्टार्ट में भी चेक करूँगा। एक्सीलेटर लीजिए भैया, यहाँ देखिए एक्सीलेटर मैं ले रहा हूँ, देखिए अब देख रहे हैं वोल्टेज जा रहा है। एक्सीलेटर छोड़िए, देखिए जैसे मैं एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे वोल्टेज कम हो रहा है। इसका मतलब है कि एक्सीलेटर वायरिंग बिल्कुल सही है, इसमें कुछ और वायरिंग में फॉल्ट है। एक्सीलेटर भी काम कर रहा है, 48 वोल्ट सप्लाई भी आ रही है, कुछ और फॉल्ट है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये ब्रेक स्विच का कनेक्शन है, ये देख रहे हैं ब्रेक स्विच का कनेक्शन किया हुआ है। जैसे ब्रेक मारने के बाद होता है कि लाइन मोटर का बिल्कुल कंट्रोल का लाइन बिल्कुल कट हो जाता है, हो सकता है ये वायरिंग कहीं शॉर्ट होगा। तो चलिए पहले मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, कभी अगर आपके साथ ऐसा फॉल्ट आ जाए, वायरिंग में ऐसा फॉल्ट होता है, कभी कभी ब्रेक का स्विच में फॉल्ट आ जाता है या वायरिंग में कहीं फॉल्ट हो, ये ब्रेक स्विच को मैं खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए ये ब्रेक स्विच का तार है, इसको आपको खोल देना है। प्रिंसिपल इस तरह से कहीं फॉल्ट आता है तो इस स्विच को आप खोल दे, इस स्विच की वजह से भी होता है, ये स्विच लगा हुआ रहेगा तो काम नहीं करेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक्सीलेटर लेकर के। देखिए मैं एक्सीलेटर ले रहा हूँ, देखिए काम करने लगा है। देखा आपने एक्सीलेटर में अभी कुछ चक्का चलने लगा है, तो आपने देखा उसी वायरिंग में फॉल्ट था। मैं फिर उसे फिर से मैं लगाता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए मैंने लगा दिया है, अब मैं एक्सीलेटर ले रहा हूँ, देखिए ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। देखिए मैं एक्सीलेटर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, फिर मैं उसे खोल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए इस तार को इस तरह से आपको खोल देना है, ये ब्रेक स्विच का है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ देखिए आपने देखा, तो मैंने जब उस तार को खोल दिया है तो एक्सीलेटर बिल्कुल काम कर रहा है,
बिल्कुल चल रही है गाड़ी, इस गाड़ी में कोई फॉल्ट प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब था यही कि इसमें गाड़ी में कुछ फॉल्ट आ गया था। क्या आप देख रहे हैं यहाँ से, देखिए मैं यहीं से आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मैं एक्सलेटर ले रहा हूँ, बिल्कुल काम कर रहा है। अगर इस तरह का कभी आपको इस तरह का फॉल्ट आ जाता है तो आप ये ब्रेक स्विच का तार जो है, इस तार को आपको खोल देना है, और ये खोलने के बाद आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और इस तरह का कोई फॉल्ट आता है आप आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।